तो आप सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है गांव की आवाज कार्यक्रम के इस नए एपिसोड में। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन अक्सर ये दुविधा जो नए नए पंचायत प्रतिनिधि चुन के आते हैं उनके सामने आती है कि पंचायत चुनाव तो हो गया, अब उसके बाद क्या किया जाए। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी, और उनसे हम जानेंगे कि पंचायत चुनाव के बाद की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि जो पंचायत प्रतिनिधि जो भी चुन के आए हैं उनके लिए पंचायत चुनाव के बाद की अगली प्रक्रिया क्या होगी? सबसे पहले तो पंचायत के जो प्रतिनिधि चुनकर आए हैं उनको तीसरी सरकार अभियान की ओर से अभिनंदन है, उनका स्वागत है और उनको बधाई है। पंचायत चुनाव हो गया और जैसा कि मीडिया की रिपोर्ट है, बताया गया है कि अब की बार पिछले 2015 के चुनाव की अपेक्षा हिंसा कम हुई है, प्रतिशत 70 से ऊपर गया है। इस कोरोना काल में भी, जबकि इतनी बड़ी महामारी देश में चल रही है, उत्तर प्रदेश उससे पूरी तरह प्रभावित था उस पीरियड में, तो ये एक अच्छी बात है। बस दुर्भाग्य ये रहा कि बहुत सारे लोग उसमें सैकड़ों की संख्या में प्रतिनिधियों का वो हुआ है, वो एक तरह से वो काल कलवित हुए हैं। ये एक अफसोस और दुख दुखद घटना रही है। फिलहाल पंचायत चुनाव हो जाने के बाद ग्राम पंचायतों का, एक तरह से जो सबसे बेसिक ग्राम पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायतों का एक तरह से संगठन होता है, संगठन बनता है, अर्थात उनका नोटिफिकेशन, उनका गठन होता है। ग्राम पंचायतों को गठित किया जाता है और गठन के लिए फिर सरकार उसको नोटिफाई करती है, नोटिफिकेशन करती है। धारा 12 है अधिनियम की, जो ये कहती है कि जिस ग्राम पंचायत में प्रधान चुन लिया गया हो और उसके 2/3 सदस्य चुन लिए गए हो, अर्थात जहाँ पर 10 हैं, 10 सदस्य, 9 सदस्य हैं, तो 9 सदस्य का मतलब है कि उसके 6 सदस्य जो हैं वो चुन लिए गए हों। तो वहाँ ये है कि जहाँ 2/3 सदस्य चुन लिए जाएंगे वहाँ पर ग्राम पंचायतों का नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन का काम होता है। नोटिफिकेशन के बाद फिर शपथ ग्रहण होता है। उत्तर प्रदेश की जैसी परंपरा है कि ब्लॉक स्तर पर ग्राम प्रधानों को और दूसरे जो वार्ड मेंबर्स हैं, सारे प्रतिनिधियों को, चुने हुए प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है ब्लॉक पर, और वहीं पर सामूहिक रूप से उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया जाता है। सामान्यतया अब परंपराएं अब तक की यही रही है। ऐसा कुछ शपथ ग्रहण कैसा होगा अधिनियम में, इसकी कोई अलग से व्याख्या, वो प्रावधान उल्लेख नहीं है, ये एक परंपरा है, लेकिन शपथ ग्रहण तो होना ही है। शपथ ग्रहण के बाद जब पंचायतों का एक तरह से नोटिफिकेशन हो जाता है, तब उसके 30 दिन के अंदर पहली बैठक, प्रथम बैठक जो है वो आयोजित करनी होती है। प्रथम बैठक तब आयोजित करनी होती है। तो अभी तो जो स्थिति है कि अभी नोटिफिकेशन ही नहीं किया गया है एक तरह से, और बीच में होना था कि 15 तारीख तक सब होता, लेकिन कोरोना के कारण उसको अभी टाल दिया गया है। तो जैसे नोटिफिकेशन हो जाएगा तब उसके तुरंत, जनरली ये होता है कि शपथ ग्रहण के ठीक बाद 30 दिन का अंतिम, मतलब जो तारीख है वो 30 दिन की होती है, 30 दिन का अंतराल है, तो जनरली हफ्ते भर के अंदर ही बैठकें बुला ली जाती है। जी जी, तो सर, जैसा कि आपने बताया कि पंचायत चुनाव के बाद जो पहला चरण है वो है पंचायत के गठन का। अब मान लीजिए कि पंचायत का गठन भी कुछ समय बाद हो ही जाएगा, उसके बाद का अगला चरण क्या नहीं, होना वही चाहिए? बताया ना कि उसके बाद फिर प्रथम बैठक बुलाई जाएगी, पहली बैठक बुलाई जी। जाएगी पंचायत की, और उस पहली बैठक में सामान्यतया जो परंपरा है, अधिनियम तो ये कहता है कि क्योंकि ये जो पंचायत है वो जो काम करती है, ग्राम पंचायत अपने कमेटियों के माध्यम से काम करती है, और जो कमेटियां होती हैं वो सदस्यों से बनती हैं। एक एक कमेटी में छः छः जी सदस्य हुआ करते हैं,
एक उसका सभापति होता है और 6 सदस्य होते हैं। तो मान इसीलिए कुल मिलाकर के 6 कमेटियां हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये जो 6 कमेटियां हैं, इन 6 कमेटियों में अगर सदस्यों को बांटा जाता है और मान लीजिए 12 मेंबर्स हैं, तो 6 सदस्य एक कमेटी में होंगे, तो कुल 36 सदस्य चाहिए। और अगर 12 सदस्य हम, चूंकि 9 से 15 है सदस्यों की संख्या, तो मान लीजिए औसत हम 12 मान लें, 11 या 12 मान लें, तो एक कमेटी में मतलब 6 सदस्य हुए और कुल मिलाकर के 12 सदस्य ही हैं और 36 लोग चाहिए, तो स्वाभाविक है कि एक सदस्य जो है वो 3 कमेटियों में होता है। तो 3 कमेटियां, और यही कमेटियां जैसा हम कहते हैं ना कि पंचायत गांव की सरकार है, तो ये कमेटियां गांव गांव सरकार का जो मंत्रिमंडल है, ये पंचायत तो मंत्रिमंडल हो गया और कमेटियां अलग अलग मंत्रालय हैं। तो जितने 29 सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों को इन कमेटियों में फिर बांटा जाता है। जी तो सर, अभी आपने बताया कि पंचायत चुनाव के बाद जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो क्या होती हैं, साथ ही आपने बात की पंचायत समितियों के बारे में भी, और ये एक ऐसा विषय है जिसमें मुझे लगता है कि लोगों की स्पष्टता काफी कम है। तो मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा आपसे इस बारे में कि ये पंचायत समितियां जो है, इनका इनका गठन कैसे होता है और ये कितनी तरह की समितियां जो है पंचायत में बनाई जाती हैं। बहुत बढ़िया। तो जैसा मैंने कहा कि जो बैठक होनी है, प्रथम बैठक, तो सामान्यतया उत्तर प्रदेश की जो परंपरा है, मैं उस परंपरा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अधिनियम तो ये कहता है कि समितियों के गठन के लिए विशेष बैठक बुलाई जानी चाहिए जी। और उसमें बाकायदा इस बात की घोषणा हो, मतलब एजेंडा पहले से दिया जाना चाहिए विधिवत कि इसमें जो है वो कमेटियों का गठन होगा, जो कमेटियां हैं उन 6 कमेटियों का गठन होगा। लेकिन खैर, सामान्यतया समयाभाव के कारण वैसे भी लोग ये करते हैं, होता ये आ रहा है कि जो पहली बैठक होती है उस पहली बैठक में एक तरह से सबका स्वागत सत्कार कर लिया जाता है एक ज्यादातर, और दूसरा काम ये करते हैं कि कमेटियों का गठन कर देते हैं। तो कमेटियों का जो गठन होता है वो ग्राम पंचायत की बैठक में होता है। देखिए, ये ग्राम पंचायत की बैठक है, जैसे बताते हैं ना कि ग्राम पंचायत मंत्रिमंडल है गांव सरकार का, ग्राम सभा जो है वो उसकी विधायिका है लोकसभा और विधानसभा की तरह, और ग्राम पंचायत जो है वो उसका मंत्रिमंडल है। तो मंत्रिमंडल खुद अपने बीच में से बैठ करके अपने मंत्री अलग अलग विभागों का बंटवारा करता है। सारे वार्ड मेंबर्स जो हैं वो मंत्री हैं, प्रधान जी उसके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं। तो गठन की प्रक्रिया है ये है कि ये सारे मेंबर्स बैठेंगे आपस में, और आपस में बैठ करके विधिवत कौन किस कमेटी में जाएगा इसका बाकायदा चुनाव करेंगे। वो सारे जो 11-12 मेंबर है आपस में चुनाव करेंगे, और उसमें प्रक्रिया ये है, अधिनियम कहता है कि हाथ उठाकर, अगर मान लीजिए किसी पर यह हो जाता है, 2 प्रस्ताव आ जाते हैं किसी कमेटी पर किसी व्यक्ति के लिए, तो उसमें हाथ उठा करके मतदान करके इसको किया जा सकता है। तो ये बाकायदा इसका एक चुनाव होता है और सदस्य खुद ये चुनाव आपस में करते हैं। तो ये एक तरह से सामूहिक चुनाव, जिसको कहिए ना सामूहिक सहमति के साथ, आपस के विचार विमर्श के साथ, कोई एक व्यक्ति नामित नहीं कर सकता। सामान्यतः उससे तमाम लोग पूछते हैं, वार्ड मेंबर भी पूछता है कि साहब क्या समितियों में प्रधान जी और सेक्रेटरी जी नामित करते हैं क्या वार्ड मेंबर्स को? तो मैंने कहा नहीं, नामित करने का किसी को अधिकार नहीं है, कोई किसी को ये विशेषाधिकार नहीं है। ये जो कमेटियां बनेंगी ये सभी लोगों की सहमति से बनेंगे, सारे वार्ड मेंबर्स की, और आपस में जो भी उनकी सहमति बनती है या फिर सहमति नहीं बनती तो बहुमत के आधार पर चुनाव करके इसको तय करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि 6 समितियां होती हैं, इन 6 समितियों का अगर मैं आपको टू दी नाम बताऊं, तो एक तो होती है नियोजन एवं विकास समिति, पहली है नियोजन एवं विकास समिति, दूसरी है शिक्षा समिति, तीसरी है प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक समिति जी,
चौथी है निर्माण समिति, पांचवी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति और छठी है जल प्रबंधन समिति। तो छह समितियां हो गई, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, निर्माण समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। तो ये छह समितियों में वो जो 29 विषय हैं सब बांट दिए गए हैं। इस पर हम विस्तार से तब चर्चा करेंगे इन समितियों के बारे में कि इनके अधिकार क्या है, किस समितियों में कौन सा विषय रखा गया है और समितियों की फिर आगे की कार्यवाही कैसे होती है, समितियों की बैठक कैसे होती है, समितियों में निर्णय कैसे लिए जाते हैं और समिति के निर्णय का महत्व क्या होता है, फिर जो समिति ने निर्णय लिया वो, चूंकि ये पंचायत की समिति है, ग्राम पंचायत की समिति है, तो फिर आगे उसकी क्या प्रक्रिया होगी, ये अगले एपिसोड में हम इस पर आपके साथ बात करेंगे ज्यादा विस्तार के साथ। जी। तो सर आज आपने बहुत ही संक्षेप में लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जो खासकर हमारे सभी दर्शकों और विशेषकर जो लोग अभी पंचायत चुनाव में पंचायत प्रतिनिधि बन के आए हैं उन सबके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। और जैसा कि आपने कहा कि हम अगले एपिसोड में जो पंचायत की समितियां होती हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के एपिसोड में आप आए और आपने इतनी सारी चीजें हमें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।